रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हथियारों को लेकर दी गई चेतावनी के बाद से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश सकते में हैं। पुतिन के हालिया बयान को पश्चिमी खेमा बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है, जहां पहले ही रूसी सेना ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए जंगी मैदान में यूक्रेन को कई मोर्चों पर करारी हार दिलाई है। इस बीच रूस के एक फैसले ने पश्चिमी मुल्कों में खलबली मचा दी है। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन ने परमाणु हथियारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस पर अमेरिका में रूस के शीर्ष राजनयिक ने न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से घोषित ट्रेनिंग प्रोग्राम अचानक से सामने नहीं आया है। युद्ध में यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों की ओर से उठाए गए भड़काऊ कदमों के बाद ही रूस को परमाणु अभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पश्चिमी देशों की आक्रामक नीतियां रूस और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूसी इलाकों पर हमला करने के लिए यूक्रेन को लगातार घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। वो रूस को उबालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि रूस की परमाणु हथियार पर बयानबाजी इस पूरे संघर्ष में लापरवाह और गैर जिम्मेदार रही है। वहीं पेंटागन के प्रेस सचिव वायुसेना मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल रूस ने बीते सोमवार को ऐलान किया था कि वो एक सैन्य अभ्यास करने वाला है। इसमें सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लड़ाकू अभियानों को अंजाम देने के लिए गैर रणनीतिक परमाणु बलों की तैयारियों की टेस्टिंग होगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रूस का परमाणु हथियार अभ्यास पश्चिम की धमकियों के जवाब में है। खास बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जिससे नेटो समेत तमाम पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। एंटोनोव ने कहा कि रूस किसी को धमकी नहीं दे रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोप को ये समझना चाहिए कि रूस अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए रूस कुछ सोचेगा नहीं। पश्चिमी देश जिस तरीके से यूक्रेन के जरिए रूस पर जवाबी हमले कर रहे हैं, इसमें वो ज्यादा दिनों तक सफल नहीं होने वाले हैं। पश्चिमी देश एक तरफा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी गलती को न्योता देने जैसा है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और नेटो के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। हाल में रूस के यूक्रेन पर बढ़ते दबाव के चलते अमेरिका और अन्य पश्चिमी समर्थकों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता में इजाफा किया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को यूक्रेन भेजे जाने की मंजूरी पर निशाना साधते हुए कहा कि मॉस्को इसे परमाणु हथियारों की सप्लाई के रूप में समझेगा और अमेरिका और नेटो के इस कदम को जानबूझकर उकसावे के रूप में मानेगा। नेटो के सदस्य देशों की ये और कुछ अन्य कार्रवाइयां इस बात का इशारा करती हैं कि वे जानबूझकर यूक्रेनी संकट को और बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। साथ ही ये सब नेटो देशों और रूस के बीच खुले सैन्य संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये देखना काफी अहम रहेगा कि रूस के इस अभ्यास का यूक्रेन युद्ध पर कितना और किस हद तक असर पड़ता है।